देखिए, एक शब्द है वेडिंग, WEDDING, वेडिंग। तो इस वीडियो में वेडिंग का हिंदी इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे, एग्जांपल से सेंटेंसेस में शब्द को यूज करके अच्छे तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं शब्द को। देखिए क्या मतलब होता है वेडिंग का। देखिए वेडिंग जो है एक नाउन की तरह प्रयोग होता है इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मतलब होता है अ सेरेमनी वेयर टू पीपल आर यूनाइटेड इन मैरिज। मतलब वो तकरीब जहां पर दो लोग शादी करते हैं और दावत खिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेडिंग। तो वेडिंग का मतलब हुआ शादी, विवाह, ब्याह, परिणय, विवाहोत्सव, शादी, बंधन, अक्द, निकाह या इज्दिवाज, मतलब शादी। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं मैरिज, मैरिज सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी, मैच, मैट्रिमोनी एंड एटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके वर्ड्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे हम लोग कि नो इंडियन वेडिंग इज कंप्लीट विदाउट अ लॉट ऑफ डिशेस। मतलब कोई भी भारतीय शादी ढेर सारे व्यंजनों के बिना पूरी नहीं होती। दूसरा एग्जाम्पल है कि इट्स योर वेडिंग नॉट ए फैशन शो। मतलब यह तुम्हारी शादी है, कोई फैशन शो नहीं। ठीक है, तो उम्मीद आपने वेडिंग शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।